दोस्तों, आपने अपने आजू बाजू ऐसे बहुत से इंसान देखे होंगे जिन्हें आपके या किसी के फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं होती है। बहुत से ऐसे पति होंगे जो अपनी पत्नियों को डरा धमका कर रखते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके हिसाब से हर काम करे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता और प्यार भरी बातों से भी सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं और बाद में अपने हिसाब से उनसे सारे काम करवाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ये होते हैं सोशियोपैथ। जी हाँ, आज हम आपको 10 ऐसे साइंस बताने वाले हैं जिससे आप इन सोशियोपैथ को पहचान सकते हैं। नंबर 10, सेल्फिश सुपीरियोरिटी। छोटे सोशियोपैथ को लगता है कि वो सबसे महान है। वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वो उस कमरे में सबसे बुद्धिमान और सफल इंसान है, भले ये झूठ हो। उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दूसरों के मशवरे को वो हमेशा बुरा मानते हैं और दूसरों की सफलताओं की भी कदर नहीं करते। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्हें दूसरों की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये खुद से परिपूर्ण, स्वार्थी और घमंडी होते हैं। उन्हें लगता है कि वो बाकी लोगों से अच्छे हैं क्योंकि वो बस खुद को अहमियत देते हैं। नंबर 2, इमोशनल इग्नोरेंस। सोशियोपैथ किसी से भावुक रिश्ते नहीं बना पाते। जैसे बाकी लोगों के अंदर सिंपैथी की भावना होती है, वैसे उनके अंदर नहीं होती। दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करना या समझ नहीं पाना उनके लिए एक आम बात है। उदाहरण के लिए, अगर आप और एक सोशियोपैथ किसी बहस में फंस जाते हैं, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप उदास क्यों हैं। शायद उसने कुछ ऐसा कहा जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची या आपका भरोसा टूट गया। ऐसे केस में वो सोशियोपैथ अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगेगा। वो शायद इस बात को मानेंगे भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। इसके बदले वो अपनी हरकत को सही साबित करना चाहेंगे और पूरी गलती आपके ऊपर डाल देंगे। एक सोशियोपैथ के दिमाग में ये बात होती है कि वो कभी गलत नहीं होते हैं। वो कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं उठाते। नंबर 3, मैनिपुलेटिव चार्म। सोशियोपैथ के पास लोगों को खुश करने की काबिलियत होती है। वो दूसरे लोगों की तारीफों की पुल बांध देते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। ऊपरी तौर पर तो वो ऐसे होते हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं, पर इसी का फायदा उठा के वो सामने वाले इंसान का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको जानना है कि कोई इंसान सोशियोपैथ है या फिर नहीं, तो ये देखिए कि वो दूसरे इंसानों को खुश कैसे करता है। वो लोग हर किसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग कभी ना कभी उनके काम आएंगे। सोशियोपैथ ऐसा दिखाएंगे जैसे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपका सबसे बड़ा फैन है, पर अंदर से उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है और आपको एक सीढ़ी की तरह देखेंगे आगे बढ़ने के लिए। हर इंसान जो आपको बढ़ावा देता है वो सोशियोपैथ नहीं होता है, पर जो होगा उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, अनडिवाइडेड अटेंशन। अच्छे लिसनर्स आपकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं। ऐसे केसेस में सोशियोपैथ किसी भी तरफ जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसा दिखाएंगे कि वो भावनात्मक तौर से आपसे जुड़े हुए हैं और जितनी अटेंशन उन्होंने आपको दी है उतनी ही अटेंशन आपसे भी चाहेंगे। हालांकि वो अपना ध्यान कहीं और कर लेंगे। एक समय के लिए वो इंसान आपके अलावा और कहीं नहीं देखेगा और अगले मिनट में उनका ध्यान कहीं और होगा। सोशियोपैथ हर दिन ये फैसला कर सकते हैं कि वो आपसे बोर हो चुके हैं या अब आप में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जितनी जल्दी वो आए थे उतनी ही जल्दी गायब हो जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि गलत क्या हुआ। नंबर 5, लैक ऑफ रिमोर्स। सोशियोपैथ के अंदर पछतावे की भावना नहीं होती। पछतावे की भावना महसूस करने के लिए इंसान के अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, जो उनमें नहीं होती। इसीलिए वो जो गलती करते हैं उन्हें उसका पछतावा नहीं होता। कभी कभी वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो क्या गलत कर रहे हैं। इसकी बजाय वो अपने शब्दों और हरकतों को सही साबित करने का तरीका ढूंढते हैं। अगर वो कुछ ऐसा कह दे जिससे दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो भी वो नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खराब किया। उनके अंदर क्षमा या पछतावे की भावना नहीं होती, क्योंकि अंदर वो सिर्फ अपने अच्छे के लिए ही सोचते हैं। नंबर 6, हिडन इंटेंशंस। सोशियोपैथ बेईमान होते हैं। वो हेरा फेरी करने वाली कहानी सुनाते हैं, बड़े अनुभवों के बारे में झूठी कहानियां बताते हैं और यहाँ तक कि अपने गहरे भावनाओं के बारे में भी बनाकर बताते हैं। वो जो बात कहते हैं उन्हें उसकी कोई कद्र नहीं होती है और उनके शब्द दूसरों पे क्या असर कर रहे हैं उसकी फिक्र उन्हें नहीं होती है।
इसी वजह से जब वो लोग बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये महसूस हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनके शब्द खोखले लगते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर उनके शब्द और हरकत अलग अलग संदेश दे रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहे हैं। नंबर 7, परसिस्टेंट पैटर्न्स। बहुत से सोशियोपैथ को अपना जीवन स्थिर और संतुलित रखने में परेशानी होती है। वो अपने वादे को नहीं निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी लगातार नजरअंदाज करते हैं। इसी वजह से उनकी जिंदगी स्थिर नहीं होती है। बहुत से सोशियोपैथ बेरोजगार होते हैं और उन्हें पैसों की परेशानी होती है। उदाहरण के लिए, वो लोग किसी से पैसे लेते हैं और उसे वापस करने का कोई इरादा ही नहीं रखते। उनका इंपल्सिव बर्ताव उन्हें जो गंभीर नहीं है ऐसे कामों और ऐसे इनाम जो बस छोटे समय के लिए ही हैं उनकी तरफ खींचता है। नंबर 8, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। सोशियोपैथ ज्यादातर किसी न किसी झगड़े के बीच में दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी एक टीवी ड्रामा जैसी होती है जिसमें वो मेन किरदार होते हैं, पर उनके हिसाब से किसी भी झगड़े का कारण वो नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो इसका मतलब उनका बॉस असक्षम है। अगर उनका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया तो इसका मतलब उनका दोस्त उनसे जलता है या स्वार्थी है। इसका मतलब सोशियोपैथ ड्रामा से घिरे हुए होते हैं, पर उसका आरोप खुद पर नहीं लगने देते। वो अपने आप को एक दयाहीन दुनिया का पीड़ित मानते हैं। उनके दिमाग में वो लोग एक अच्छे और सच्चे लोग हैं जिन्हें दुनिया परेशान कर रही है। जब आप किसी झगड़े की बात उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो सही। वो एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाले होते हैं। उन्हें आपकी सहानुभूति और आपका ध्यान अपनी ओर चाहिए होता है। नंबर 9, रिडंडेंट मिस्टेक। क्योंकि सोशियोपैथ अपनी गलती नहीं मानते, वो कभी सुधरना या आगे बढ़ना नहीं सीख पाते। जब कुछ गलत होता है तो वो अपनी हार की बात बताने से पीछे हटते हैं और इसीलिए बार बार एक ही गलती करते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग एक चक्र में घूम रहे हैं। आप उनके मुंह से एक ही परेशानी हर रोज सुने। उन्हें नई नौकरी मिल जाएगी, वो नए दोस्त बना लेंगे, उसके बाद भी उन्हें वही परेशानी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पाते। नंबर 10, रिलीविंग एंगर। आप हर थोड़ी देर में एक सोशियोपैथ को कोई गलती करते देखेंगे। वो झूठ बोलेंगे या फिर उनकी कही हुई बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपको उन पे गुस्सा आएगा और आप ये सोचेंगे कि आप उस इंसान के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हैं। लेकिन आप ज्यादा देर तक ऐसा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सोशियोपैथ के पास इंसान का दिल जीतने का हुनर होता है। अगर आप उन पे गुस्सा हैं, तो वो झूठ का सहारा लेकर या किसी और तरीके से आपको मना लेंगे और आप मान जाएंगे। दोस्तों, आपका सोशियोपैथ के बारे में क्या कहना है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्या आपके आजू बाजू कोई सोशियोपैथ है, ये भी जरा हमें बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।